हाय फ्रेंड्स, आप सबको फिर से तेलुगु क्लास में स्वागत है। मी अंदर की तेलुगु क्लास लो मल्ली स्वागतम। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग सर्वनाम बेसिक वर्ड सीखे हैं। आज इस वीडियो में उदाहरण सीखेंगे। ये वीडियो लो उदाहरण लो नेर्चुकुंदाम। फ्रेंड्स, आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। मेरा वीडियोस एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, इसलिए आप कोई वीडियो मिस मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास शुरू करते हैं। रंडी क्लास प्रारंभिता। तो फ्रेंड्स, मैं को नेनू बोलते हैं। मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। लड़का को बोलेंगे अब्बाई, लड़की को बोलेंगे अम्माई। लड़का अब्बाई, लड़की अम्माई। मैं लड़का हूँ, नेनु अब्बाई। मैं लड़की हूँ, नेनु अम्माई। मैं पढ़ता हूँ, नहीं तो पढ़ती हूँ। मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ तो बोलेंगे नेनु चदुतुन्नानु। मैं, नेनु, पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। चदुतुन्नानु, नेनु चदुतुन्नानु। मैं काता हूँ या काती हूँ। मैं, नेनु, काता हूँ या काती हूँ। तिंटानु, नेनु तिंटानु। मैं आता हूँ या आती हूँ। मैं, नेनु, आता हूँ या आती हूँ। वस्तानु, नेनु वस्तानु। मैं आता हूँ या आती हूँ, नेनु वस्तानु। मैं जाता हूँ या जाती हूँ। नेनु वेल्तानु, नेनु वेल्तानु। तो जाता या जाती को बोलेंगे वेल्तानु। मैं खेलता हूँ या खेलती हूँ। तो मैं, नेनु, खेलता हूँ या खेलती हूँ तो उसको बोलेंगे आड़तानु, नेनु आड़तानु। इधर मैं जाता हूँ या जाती हूँ को नेनु वेल्तानु बोल रहे हैं। इधर ला अक्षर का प्रयोग हो रहा है, तो ला तेलुगु में ऐसा लिखा जाता है। तो हिंदी में तो ला नहीं है, मगर ऐसा लिखा जाता है ला। तो अभी सीखेंगे हम। हमको मेमो अथवा मनमो बोलते हैं। हम लड़के हैं। लड़का एकवचन हो गया, लड़के बहुवचन हो गया। तो लड़का को तेलुगु में अब्बाई बोलते हैं, तो लड़के को अब्बाईलू। तो इधर लू लगा दिए तो बहुवचन हो गया, अब्बाई अब्बाईलू। उसी तरह लड़की को अम्माई बोलते हैं, लड़कियां को अम्माईलू। तो लू लगा दिए तो बहुवचन हो गया, अम्माई अम्माईलू। हम लड़के हैं, मेमु अथवा मनमु अब्बाईलु। मेमु अब्बाईलु। हम लड़कियां हैं तो बोलेंगे मेमु अम्माईलु, मेमु अम्माईलु। हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं को बोलेंगे, तो पढ़ते हैं बोलेंगे चदुतामु। हम पढ़ते हैं तो हम, मेमु, पढ़ते हैं चदुतामु। हम पढ़ते हैं, मेमु चदुतामु। तो चदु को पढ़ना बोलते हैं, तो हम पढ़ते हैं तो उसको बोलेंगे मेमु चदुतामु। हम काते हैं, हम, मेमु, काते हैं तो उसको बोलेंगे तिंटामु। हम काते हैं, मेमु तिंटामु अथवा मनमु तिंटामु। हम खेलते हैं तो हमको बोलेंगे मेमु, खेलते हैं आड़कुंटामु। हम खेलते हैं, मेमु आड़कुंटामु। हम आते हैं, हम आते हैं, हमको बोलेंगे मेमु, आते हैं वस्तामु, मेमु वस्तामु। तो आते हैं वस्तामु, मेमु वस्तामु। हम जाते हैं तो हम, मेमु अथवा मनमु जाते हैं वेल्दामु। तो इधर भी ला अक्षर का प्रयोग हो रहा है, मेमु वेल्दामु। हम जाते हैं, मेमु वेल्दामु। अभी सीखेंगे तुम। तुमको नुव्वु बोलते हैं। तुम लड़का हो, नुव्वु अब्बाई। तुम लड़का हो, नुव्वु अब्बाई। तुम लड़की हो तो बोलेंगे नुव्वु अम्माई, नुव्वु अब्बाई, नुव्वु अम्माई। तुम पढ़ो तो तुमको एकवचन में प्रयोग किया जाता है। अभी तुम पढ़ो, तुम हो गया नुव्वु, पढ़ो को चदुवु बोलते हैं। तुम पढ़ो, नुव्वु चदुवु। तुम पढ़ो, नुव्वु चदुवु। तुम खाओ, तुमको नुव्वु, खाओ तिनु, नुव्वु तिनु। तुम खाओ। तुम खेलो,
तुम खेलो तो खेलो को बोलेंगे आड़ू, तुम खेलो नुवु आड़ू, नुवु आड़ू। तुम आओ, तुम आओ तो आओ को बोलेंगे रा, तुम आओ नुवु रा, नुवु रा। तुम जाओ, तुम जाओ तो बोलेंगे नुवु वेल्लु, नुवु वेल्लु। तो जाओ को बोलेंगे वेल्लु, इधर ला का प्रयोग हो रहा है तो बोलेंगे वेल्लु। तुम जाओ नुवु वेल्लु। तो अभी आप सीखेंगे, आपको मीरू बोलते हैं। मीरू का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को आप गौरव दे रहे हैं, तब प्रयोग किया जाता है और बहुवचन में भी प्रयोग किया जाता है। अभी आप लड़के हैं तो इधर लड़के बहुवचन हो गया, तो लड़का को बोलेंगे अब्बाई, लड़के को बोलेंगे अब्बाईलू। आप लड़के हैं मीरु अब्बाईलू, तो वही आप लड़कियां हैं तो बोलेंगे मीरु अम्माईलू। तो अम्माईलू बहुवचन में हो गया इसलिए मीरु अम्माईलू। आप पढ़िए तो बोलेंगे मीरु चदवंडी, आप मीरु पढ़िए चदवंडी। तो इधर देख सकते हैं अंडी लगा रहे हैं, जब आप किसी व्यक्ति को गौरव दे रहे हैं, रेस्पेक्ट दे रहे, तब बोलते हैं आइए बैठिए लीजिए दीजिए, ऐसा करके बात करते हैं। तो उसी तरह तेलुगु में जब किसी व्यक्ति से आप रेस्पेक्टिव वे में बात कर रहे हैं तब अंडी अंडी करके लगाते हैं, जैसे आप पढ़िए मीरु चदुवंडी, आप खाइए मीरु तिनंडी। तिनु हो गया एकवचन में, तिनंडी हो गया जब आप गौरव दे रहे हैं तब तिनंडी करके बोलेंगे, आप खाइए मीरु तिनंडी, आप खेलिए मीरु आड़ंडी, आप खेलिए मीरु आड़ंडी, आप आइए मीरु रंडी। तो इधर रा एकवचन में हो गया, रंडी बहुवचन, नहीं तो आप किसी व्यक्ति को रेस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तब बोलेंगे रंडी मीरु रंडी। आप जाइए मीरु वेल्लंडी, तो वेल्लु हो गया एकवचन में, वेल्लंडी हो गया आप जब रेस्पेक्ट दे रहे हैं तब वेल्लंडी करके प्रयोग कर रहे हैं, आप जाइए मीरु वेल्लंडी। तो इधर देखिए जब तुम का प्रयोग कर रहे हैं, तुम पढ़ो, तुम खाओ, तुम खेलो, तुम आओ, तुम जाओ करके प्रयोग कर रहे हैं, जब ये एकवचन में हो गया। जब बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं या किसी व्यक्ति को रेस्पेक्ट दे रहे हैं तब बोलेंगे आप पढ़िए, आप खाइए, आप खेलिए, आप आइए, आप जाइए। तो उसी तरह तेलुगु में बोलेंगे तिनु, तुम पढ़ो, नुवु चदुवु, वही आप रेस्पेक्ट दे के बात करेंगे तब आप पढ़िए, तुम पढ़ो, नुवु चदुवु, आप पढ़िए मीरु चदुवंडी, तुम खाओ, नुवु तिनु। तो नुवु तिनु हो गया एकवचन में बात कर रहे हैं, इधर आप खाइए तो हो गया मीरु तिनंडी, तिनु तिनंडी। इधर हो गया चदुवु चदुवंडी, तिनु तिनंडी। तुम खेलो, नुवु आडु, आप खेलिए मीरु आडंडी। तो आडु हो गया एकवचन में, नुवु आडु, इधर मीरु आडंडी। तो आडंडी हो गया बहुवचन, नहीं तो रेस्पेक्टिव वे में जब बात कर रहे हैं तो आडंडी बोलेंगे। तुम आओ, नुवुरा, नुवुरा एकवचन में हो गया। आप आइए मीरु रंडी, तो मीरु रंडी, रंडी हो गया जब रेस्पेक्टिव वे में बात कर रहे हैं तब रा रंडी, नुवुरा मीरु रंडी। तुम जाओ, नुवु वेल्लु, तो वेल्लु हो गया एकवचन में, इधर आप जाइए तो बोलेंगे मीरु वेल्लंडी, वेल्लु वेल्लंडी। तो अंडी अंडी जब लगाते हैं तो होता है आप किसी को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वेल अंडी अंडी करके लगाने से आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उस व्यक्ति को आप गौरव दे रहे हैं, रेस्पेक्ट दे रहे हैं। इसलिए आप जिस आदमी के साथ आप बात कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के साथ आप कैसे बात कर रहे हैं तो वो आपका व्यक्तित्व दर्शाता है। इसलिए आप किसी से भी बात करेंगे आपको रेस्पेक्ट दे के बात करना है, जैसे बोलते हैं ना गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, जब आप रेस्पेक्ट देंगे गौरव देंगे तब दूसरा आदमी भी आपको रेस्पेक्ट देगा। तो गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट, गौरव दीजिए गौरव लीजिए। तो गौरव को तेलुगु में बोलेंगे गौरवम, गौरवम इवंडी, गौरव दीजिए गौरवम
తీసుకోండి తో గౌరవం లీజియే తో తీసుకోండి కో లీజియే బోల్తే హై దీజియే ఇవ్వండి లీజియే తీసుకోండి తో ఆప్ కిసి ఆద్మీ కో క్యా దేతే హై తో వహీ ఇన్ రిటర్న్ ఆప్కో మిల్తా హై తో ఫ్రెండ్స్ అభి అబ్ వ ఔర్ య కే బారే మే సీఖేంగే అబ్ ఫ్రెండ్స్ మే వ ఔర్ య కే బారే మే పార్ట్ 1 వీడియో మే అచ్చా సే ఎక్స్ప్లెయిన్ కియు ఆప్ ఉస్ వీడియో కో రిఫర్ కర్ సక్తే హై అత్తడు అత్తన్ను వాడు తెలుగు మే వ క జగ మే ప్రయోగ్ కియా జాతా హై अतड़ अतन वाड़ू का तब प्रयोग किया जाता है तब कोई व्यक्ति दूर में हो एकवचन में हो और पुल्लिंग में हो तब अतड़ अतन वाड़ू का प्रयोग किया जाता है। दूर में हो मतलब जहाँ पे आप बात कर रहे हो उधर नहीं हो दूसरा जगह में हो तो उसको दूर बोलेंगे। सो जो व्यक्ति दूर में हो पुल्लिंग में हो और एकवचन में हो तब अतड़ अतन वाड़ू का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह य इतड़ इतनु वीडु जो व्यक्ति नजदीक में हो जहाँ आप बात कर रहे हैं उधर हो जो व्यक्ति नजदीक में हो एकवचन में हो और पुल्लिंग में हो तब इतड़ इतनु वीडु का प्रयोग किया जाता है। अतड़ अतनु वाड़ तो ये तीनों पुल्लिंग के लिए है ये तीनों एकवचन में प्रयोग किया जाता है मगर अतनु जो है अतड़ से थोड़ा सा ज्यादा रेस्पेक्टिव वर्ड होता है और वाड़ जो है अतड़ और अतनु से कम रेस्पेक्टिव वर्ड होता है। उसी तरह इतनु इतड़ से थोड़ा सा ज्यादा रेस्पेक्टिव वर्ड होता है और वीडु इतड़ और इतनु से कम रेस्पेक्टिव वर्ड होता है। तो आइए उदाहरण सीखते हैं। व खाया जो व्यक्ति है वो ऑलरेडी वो खाना खा चुका है तो बोलेंगे व खाया तो तेलुगु में बोलेंगे अतड़ तिन्नाडु जो ऑलरेडी खा चुका है तो बोलेंगे तिन्नाडु अतड़ तिन्नाडु वो पड़ा तो ऑलरेडी पढ़ चुका है तो बोलेंगे व पड़ा तो तेलुगु में बोलेंगे अतड़ चदुवुकुन्नाडु अतड़ चदुवुकुन्नाडु तो व खाया जो व्यक्ति है वो ऑलरेडी खा चुका है तो इसलिए बोलेंगे तिन्नाडु अतड़ तिन्नाडु यदि अतनु का प्रयोग करेंगे तब अतनु तिन्नाडु व खाया अतनु तिन्नाडु अभी वाडु వాడు తిన్నాడు అవి వ పడ తో వ అతడు పడాక బోలెంగే చదువుకున్నాడు తో ఆల్రెడీ వో పడ్ చుకా హై తో ఇస్లియే బోలెంగే అతడు చదువుకున్నాడు అవి అతను ప్రయోగ్ కరెంగే తో అతను చదువుకున్నాడు వాడు వాడు చదువుకున్నాడు వ ఖేలా వ ఖేలా వో ఖేల్ చుకా హై तब तेलुगु में बोलेंगे अतड़ आड़ाड़ अभी अतनु अतनु आड़ाड़ वाड़ वाड़ आड़ाड़ तो व खेला अतनु आड़ाड़ अतड़ आड़ाड़ वाड़ आड़ाड़ व आया अतड़ वच्चाड़ वो आ चुका है तो तेलुगु में बोलेंगे अतड़ वच्चाड़ अभी अतनु प्रयोग करेंगे अतनु वच्चाड़ वाड़ वाड़ वच्चाड़ अभी व गया वो जा चुका है तब क्या बोलेंगे तेलुगु में अतड़ वेल्लाड़ तो गया वेल्लाड़ व गया अतड़ वेल्लाड़ अभी अतनु अतनु वेल्लाड़ वाड़ वाड़ वेल्लाड़ तो ये हो गया उदाहरण अतड़ अतनु वाड़ का। अभी सीखेंगे इतड़ इतनु वीड़ व का जगह में य प्रयोग करेंगे य खाया इतड़ तिन्नाडु इतड़ जो पास में है जो आदमी आपके पास है आपके साथ में है वो खा चुका है तो क्या बोलेंगे इतड़ तिन्नाडु इतनु इतनु तिन्नाडु वीड़ वीड़ तिन्नाडु य पड़ा ये पढ़ चुका है तो बोलेंगे इतड़ चदुवुकुन्नाडु इतड़ चदुवुकुन्नाडु इतनु चदुवुकुन्नाडु अब वीडु के लिए वीडु चदुवुकुन्नाडु य खेला जो नजदीक में आदमी है या कोई व्यक्ति है वो खेल चुका है तो बोलेंगे य खेला तो तेलुगु में बोलेंगे इतड़ आड़ाड़ इतड़ तो ये व्यक्ति खेल चुका है तो तेलुगु में बोलेंगे इतड़ आड़ाड़ तो वही इतनु इतनु आड़ाड़ वीडु वीडु आड़ाड़ अभी य आया ये आ गया है ये व्यक्ति आ गया है तो बोलेंगे इतड़ वच्चाड़
इतुडु वच्चाडु, ऑलरेडी आ चुका है वो आदमी, तो बोलेंगे इतुडु वच्चाडु, इतनु वच्चाडु, वीडु वीडु वच्चाडु, या गया, ये आदमी गया, तो बोलेंगे इतुडु वेल्लाडु, इतुडु वेल्लाडु, अब इतनु प्रयोग करेंगे इतनु वेल्लाडु, वीडु वेल्लाडु, तो समझ में आ गया ना फ्रेंड्स, अतड़ु अतनु वाड़ु इतड़ु इतनु वीड़ु का कैसे प्रयोग करते हैं अभी सीखेंगे। आमे आविड़ा ईमे ईविड़ा, आमे आविड़ा का तब प्रयोग किया जाता है जब कोई व्यक्ति, तो महिला हो, वो दूर में हो, एकवचन में हो, और स्त्रीलिंग में, महिला तो स्त्रीलिंग में ही होगा, तो स्त्रीलिंग में हो, कोई व्यक्ति एकवचन में हो, दूर में हो और स्त्रीलिंग में हो, तब आमे और आविड़ा का प्रयोग किया जाता है। ये आविड़ा जो हो गया आमे से थोड़ा सा ज्यादा रेस्पेक्टिव वर्ड हो गया। आमे तो हम लोगों का उम्र है, हमारा उम्र से जो नीचे है उनको आप आमे करके प्रयोग कर सकते हैं। आविड़ा जो हमसे बड़े है और जिसको हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तब आविड़ा करके प्रयोग कर सकते हैं। ईमे ईविड़ा का तब प्रयोग किया जाता है जो व्यक्ति महिला हो, स्त्रीलिंग हो, एकवचन में हो और नजदीक में हो। नजदीक में मतलब आपके पास ही हो, आप जहाँ बात कर रहे हैं उधर ही हो, तब ई में ई विड़ा करके प्रयोग करते हैं। तो अभी उदाहरण सीखेंगे। वो खाई जो दूर में महिला है, दूसरा जगह में जो महिला है वो खा चुकी है, तब बोलेंगे वो खाई, तो तेलुगु में बोलेंगे आमे तिनिंदी, वो खा चुकी है तो बोलेंगे आमे तिनिंदी। तब आविड़ा प्रयोग करते हैं तो आविड़ा तिनिंदी, आमे तिनिंदी, आविड़ा तिनिंदी। अभी वो पढ़ी, वो पढ़ चुकी है तो बोलेंगे आमे चदविंदी, आमे चदविंदी, तो आविड़ा आविड़ा चदविंदी, आविड़ा चदविंदी। वो खेली, जो दूर में जो महिला है वो खेल चुकी है तो बोलेंगे वो खेली, तो तेलुगु में बोलेंगे आमे आड़िंदी, आमे आड़िंदी। आविड़ा आए तो आविड़ा आड़िंदी। वो आई तो तेलुगु में बोलेंगे आमे वच्चिंदी, आमे वच्चिंदी। आविड़ा आए तो आविड़ा वच्चिंदी, आविड़ा वच्चिंदी। वो गई वो जा चुकी है, वो आमे वेल्लिंदी, आमे वेल्लिंदी। आविड़ा प्रयोग करते तो आविड़ा वेल्लिंदी। अब ईमे ईविड़ा, तो इधर वा के जगह में या का प्रयोग करेंगे। या खाई, जो महिला है वो खा चुकी है तो तेलुगु में बोलेंगे ईमे तिनिंदी, ईमे तिनिंदी। ईविड़ा का प्रयोग करते तो ईविड़ा तिनिंदी, ईविड़ा तिनिंदी। या पढ़ी, तो ये महिला पढ़ चुकी है तो क्या बोलेंगे, ईमे चदविंदी, ईमे चदविंदी। ईविड़ा का प्रयोग करते तो ईविड़ा चदिविंदी, वो पढ़ चुकी है तो इसलिए बोल रहे ईविड़ा चदिविंदी। या आई, तो बोलेंगे ईमे वच्चिंदी, ईमे वच्चिंदी, तो ईविड़ा है तो ईविड़ा वच्चिंदी। या गई, ये जो महिला है ये जा चुकी है तो बोलेंगे या गई। ईमे वेल्लिंदी, ईमे वेल्लिंदी, तो ईविड़ा का प्रयोग करते तो ईविड़ा वेल्लिंदी। तो समझ में आ गया ना फ्रेंड्स, आमे आविड़ा ईमे ईविड़ा कैसे प्रयोग किया जाता है। अभी अदि इदि के बारे में सीखेंगे। अदि जब कोई वस्तु हो, दूर में हो और एकवचन में हो, तब अदि का प्रयोग किया जाता है। इदि जो वस्तु नजदीक में हो, एकवचन में हो, तब इदि का प्रयोग किया जाता है। तो अदि इदि, व अदि य इदि, सभी उदाहरण सीखेंगे। दूर में एक पेड़ है तो बोलेंगे व पेड़ है, तो पेड़ वस्तु हो गया, व पेड़ है, तो तेलुगु में क्या बोलेंगे, अदि चेट्टू, तो पेड़ को चेट्टू बोलेंगे, अदि चेट्टू, तो दूर में जो पेड़ है अदि चेट्टू बोलेंगे। तेरी दूर में फूल है, दूर में फूल है, तो व फूल है, तो हो गया वही तेलुगु में बोलेंगे अदि पुव्वु, अदि पुव्वु, तो पुव्वु फूल को पुव्वु बोलते हैं, तो वो एक ही फूल है तो इसलिए बोलेंगे अदि पुव्वु। व तारा है, दूर में तारा है, तारा को तेलुगु में नक्षत्रम बोलते हैं, तो एक तारा है तो क्या बोलेंगे, व
तारा है, तो बोलेंगे अदि नक्षत्रमु, वह पुस्तक है। यदि दूर में पुस्तक है तब बोलेंगे वह पुस्तक है, तो तेलुगु में बोलेंगे अदि पुस्तकमु, तो पुस्तक को पुस्तकमु बोलेंगे, तो अदि पुस्तकमु। आप कोई भी वस्तु ले सकते हैं, जैसा पेन है वह पेन है, अदि पेन्नु, तो कोई भी वस्तु आप उदाहरण में ले सकते हैं। तो अभी सीखेंगे इदि, जब नजदीक में रहता है वस्तु और एकवचन में रहता है तब इदि बोलेंगे। यह पेड़ है, तो नजदीक में पेड़ है तो बोलेंगे यह पेड़ है, तो तेलुगु में बोलेंगे इदि चेट्टु, इदि चेट्टु। यह फूल है, नजदीक में एक फूल है तो तेलुगु में बोलेंगे इदि पुव्वु, इदि पुव्वु। यह पुस्तक है, नजदीक में पुस्तक है तब बोलेंगे यह पुस्तक है, तो तेलुगु में बोलेंगे इदि पुस्तकमु, इदि पुस्तकमु। यदि पेन है तो बोलेंगे इदि पेन्नु। तो अभी अदि इदि हो गया, अभी अवि इवि सीखेंगे। अवि को वे, इवि ये, तो वे हो गया अवि, ये हो गया इवि। वे जब कोई वस्तु बहुवचन में रहता है और दूर में रहता है तब वे का प्रयोग किया जाता है, तो इधर तेलुगु में अवि बोलते हैं। अवि मतलब जो वस्तु बहुवचन में हो और दूर में हो तब अवि का प्रयोग किया जाता है। इवि, इवि जो वस्तु नजदीक में हो बहुवचन में हो तब इवि का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो गया ये। वे पेड़ हैं, तो दूर में जो पेड़ है बहुत सारा पेड़ है तो बोलेंगे वे पेड़ हैं, तो तेलुगु में बोलेंगे अवि चेट्लु, अवि चेट्लु। तो चेट्टु हो गया एकवचन, चेट्लू हो गया बहुवचन, तो बोलेंगे अवि चेट्लू, दूर में जो बहुत सारा पेड़ है तो अवि चेट्लू। तो वे फूल है, दूर में बहुत सारे फूल है तो बोलेंगे वे फूल है, तो तेलुगु में बोलेंगे अवि पुव्वुलु, तो पुव्वु हो गया एकवचन, पुव्वुलु हो गया बहुवचन, तो बोलेंगे अवि पुव्वुलु। वे पुस्तके हैं, जो दूर में जो पुस्तके हैं तो बहुत सारे किताब है पुस्तक है तब बोलेंगे वे पुस्तकें हैं या वे किताबें हैं, तो तेलुगु में बोलेंगे अवि पुस्तकमलु। वे तारे हैं, तो दूर में बहुत सारे तारे हैं तो बोलेंगे अवि नक्षत्रमुलु। नक्षत्रमु एकवचन हो गया, नक्षत्रमुलु तो बहुवचन हो गया, नक्षत्रमु एकवचन, नक्षत्रमुलु बहुवचन, तो वे तारे हैं अवि नक्षत्रमुलु। तो अब अभी इवी का समझ में आ गया ना फ्रेंड्स। अभी वारु वालु वीरु वीलु सीखेंगे। वारु वालु दो वाक्य में प्रयोग किया जाता है। पहला, जब कोई व्यक्ति दूर में हो और उनको हम गौरव दे रहे हैं, रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तब वारु वालु का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा, जो व्यक्ति दूर में हो और बहुवचन में हो तब भी वारु वालु का प्रयोग किया जाता है। तो वीरु वीलु भी ऐसे ही, जो व्यक्ति नजदीक में हो और उनको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, गौरव दे रहे हैं, तब वीरु का प्रयोग किया जाता है और वीलू का। दूसरा, जो व्यक्ति नजदीक में हो और बहुवचन में हो तब भी वीरु वीलू का प्रयोग किया जाता है। तो अभी उदाहरण सीखेंगे। वे दादाजी हैं, वे दादाजी हैं, दादाजी दूर में है तो वे बड़े हैं हमसे, इसलिए उनको हम गौरव दे रहे हैं, तो बोलेंगे वे दादाजी हैं। तो दादा को तेलुगु में बोलेंगे ताता, दादा को बोलेंगे ताता। इधर दादाजी लगाया है क्योंकि दादा, दादा को हम गौरव दे रहे हैं तब दादाजी लगाया है, तो इधर जी के जगह में गारू बोलते हैं, ताता गारू, दादाजी ताता गारू। वे दादाजी हैं, वारु ताता गारू, वारु ताता गारू। आप वालू का भी प्रयोग कर सकते हैं, वालू तातागारु, वारु वालू एक ही अर्थ है, तब वारु का भी प्रयोग कर सकते हैं, वालू का प्रयोग कर सकते हैं। तो वे दादाजी है तो बोलेंगे वारु तातागारु, नहीं तो वालू तातागारु। वे दादी जी है, दादी दूर में है उनको हम गौरव दे रहे हैं तो बोलेंगे वे दादी जी है, तो तेलुगु बोलेंगे वारु अम्मम्मा गारु, तो दादी को बोलेंगे अम्मम्मा, तो दादी जी हो गई अम्मम्मा गारु, तो वे दादी जी है वारु अथवा वालू अम्मम्मा गारु। तो कोई भी बड़े व्यक्ति दूर में है उनको आप गौरव दे रहे हैं तब गारु करके लगाते हैं, जैसे इधर हिंदी में जी करके लगाते हैं तो तेलुगु में
गारू, ताता गारू, नाना गारू, अम्मा गारू करके लगाते हैं। अभी दूसरा सीखेंगे, जब व्यक्ति दूर में हो बहुवचन में हो। अभी समझे, दूर में तो बहुत सारे लोग हैं, खेल रहे हैं, तो बोलेंगे वे खेल रहे हैं। तो तेलुगु में बोलेंगे वारु आडुकुंटुन्नारु, वे खेल रहे हैं, वारु आडुकुंटुन्नारु, नहीं तो वाल्लु आडुकुंटुन्नारु, वाल्लु आडुकुंटुन्नारु। वे खा रहे हैं, जो दूर में लोग हैं वे खा रहे हैं, तो बोलेंगे वारु तिंटुन्नारु, वारु तिंटुन्नारु, नहीं तो वाल्लु तिंटुन्नारु, बोलेंगे वारु तिंटुन्नारु, वाल्लु तिंटुन्नारु। जो व्यक्ति नजदीक में है उनको हम गौरव दे रहे हैं, तब वीरु अथवा वीलू का प्रयोग करते हैं। उसी तरह जो व्यक्ति नजदीक में है वो बहुवचन में है, तब वीरु वीलू का प्रयोग करते हैं। अभी उदाहरण, यही उदाहरण लेंगे तो वे के जगह में ये लगाएंगे, ये दादाजी है, पास में दादाजी है, तो बोलेंगे ये दादाजी है। तो तेलुगु में बोलेंगे वीरु तातागारु, वीरु तातागारु, नहीं तो वीलू तातागारु, वीरु तातागारु, नहीं तो वीलू तातागारु। जब दादीजी नजदीक में है, ये दादीजी है, तो तेलुगु बोलेंगे वीरु अम्मम्म गारु, वीरु अम्मम्म गारु, नहीं तो वीलू अम्मम्म गारु। ये खेल रहे हैं, तो नजदीक में लोग हैं खेल रहे हैं, तब बोलेंगे ये खेल रहे हैं, तो तेलुगु में बोलेंगे वीरु आडुकुंटुन्नारु, वीरु आडुकुंटुन्नारु, नहीं तो वीलू आडुकुंटुन्नारु। ये खा रहे हैं, जो नजदीक में लोग हैं वो लोग खा रहे हैं, तो बोलेंगे वीरु तिंटुन्नारु, वीरु तिंटुन्नारु, नहीं तो वीलू तिंटुन्नारु, वीरु तिंटुन्नारु, वीलू तिंटुन्नारु। तो ये हो गया वारु वाल्लु वीरु वीलू। अभी आ और ई के बारे में सीखेंगे। तो आ और ई, आ का कब प्रयोग किया जाता है? आ का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई वस्तु दूर में हो, आप उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, नहीं तो आप उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, तब आ का प्रयोग किया जाता है। ई, जो व्यक्ति या वस्तु नजदीक में है, आप उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, नहीं तो स्पेसिफाई कर रहे हैं, तब ई का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण सीखेंगे, जो पेड़ दूर में है वो बड़ा है, पेड़ जो दूर में है वो बड़ा है, तब हिंदी में बोलेंगे वह पेड़ बड़ा है। तो तेलुगु में बोलेंगे आ चेट्टु पेद्ददी, आ चेट्टु पेद्ददी, चेट्टु पेड़ हो गया, चेट्टु बड़ा है हो गया, पेद्ददी बड़ा है बोलेंगे पेद्ददी, आ चेट्टु पेद्ददी। यदि वो पेड़ छोटा है, वह पेड़ छोटा है, तो बोलेंगे आ चेट्टु चिन्नदी, आ चेट्टु चिन्नदी, तो बड़ा हो गया पेद्ददी, छोटा हो गया चिन्नदी, आ चेट्टु पेद्ददी, आ चेट्टु चिन्नदी। यदि वही लड़का दूर में है और बड़ा है, तो बोलेंगे आ अब्बाई पेद्दवाड़ू, तो लड़का हो गया अब्बाई, बड़ा हो गया पेद्दवाड़ू, आ अब्बाई पेद्दवाड़ू, वह लड़का बड़ा है, आ अब्बाई पेद्दवाड़ू। यदि वह लड़का छोटा है, तब बोलेंगे वह लड़का छोटा है, तो तेलुगु में बोलेंगे आ अब्बाई चिन्नवाड़ू, पेद्दवाड़ू बड़ा है, छोटा है चिन्नवाड़ू, आ अब्बाई पेद्दवाड़ू, आ अब्बाई चिन्नवाड़ू। यदि वही लड़की दूर में है वो बड़ी है, तब क्या बोलेंगे, वह लड़की बड़ी है, तो तेलुगु में बोलेंगे आ अम्माई पेद्ददी, तो आ अम्माई पेद्ददी। दूर में जो लड़की है वो बड़ी है, तो तेलुगु में बोलेंगे आ अम्माई पेद्ददी, बड़ी है पेद्ददी। जो दूर में जो लड़की है वो छोटी है, तब बोलेंगे आ अम्माई चिन्नदी, वह लड़की छोटी है, बोलेंगे आ अम्माई चिन्नदी, तो छोटी है बोलेंगे चिन्नदी। यदि वह लड़की बड़ी है, तब बोलेंगे आ अम्माई पेद्ददी, वह लड़की बड़ी है, आ अम्माई पेद्ददी, चिन्नदी छोटी है, पेद्ददी बड़ी है। तो लड़का को बोलेंगे चिन्नवाड़ो, तो छोटा लड़का है उसको बोलेंगे चिन्नवाड़ो, यदि बड़ा लड़का है बोलेंगे पेद्दवाड़ो, वही लड़की को बोलेंगे छोटी लड़की है तब बोलेंगे चिन्नदी, बड़ी लड़की है बोलेंगे पेद्ददी। अब ई का प्रयोग करेंगे, ई जो नजदीक में जो भी व्यक्ति है या वस्तु है उसको हम पॉइंट कर रहे हैं या स्पेसिफाई कर रहे हैं, तब ई का प्रयोग किया जाता है।
अभी उदाहरण के लिए जो पेड़ नजदीक है वो बड़ा है, तब बोलेंगे यह पेड़ बड़ा है, तो तेलुगु में बोलेंगे ई चेट्टु पेद्ददी, ई चेट्टु पेद्ददी। यदि ये पेड़ छोटा है, यह पेड़ छोटा है, तो बोलेंगे ई चेट्टु चिन्नदी, ई चेट्टु चिन्नदी, पेद्ददी चिन्नदी। यदि वही लड़का बड़ा है तो बोलेंगे ई अब्बाई पेद्दवाड़ू, नजदीक में जो अब्बाई है, नजदीक में जो लड़का है वो बड़ा है, तो बोलेंगे ई अब्बाई पेद्दवाड़ू। यदि वो छोटा है तो बोलेंगे ई अब्बाई चिन्नवाड़ू, पेद्दवाड़ू चिन्नवाड़ू। यदि वही लड़की नजदीक में है, वो छोटी है, बोलेंगे ई अम्माई चिन्नदी, ई अम्माई चिन्नदी। यदि लड़की बड़ी है, बोलेंगे ई अम्माई पेद्ददी, ई अम्माई पेद्ददी। हाँ फ्रेंड्स, अभी इतना समझ में आ गया होगा, अगले वीडियो में मिलता है, नेक्स्ट वीडियो लो कलदाम। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो अगले क्लास में मिलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो लो कलदाम, तब तक के लिए धन्यवाद।